हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इजी स्टैंडर्ड 8 9th और 10th के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे इसको यहां पे समझते हैं। रट्टा भी किसे नहीं करना है, पाइथागोरस को समझना है, एक्सप्लेन करना है प्रैक्टिकली। आज आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज मैं वीडियो भी दिखाऊंगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यहां पे आप देख रहे हैं जिसका आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूं a प्लस b का होल स्क्वायर पाइथागोरस को प्रूव करने के लिए। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंदर यहां पे मैं जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है यहां पे पुट अप करने वाला हूं। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा यहां पे। और सेकंड थिंग जो है यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पाइथागोरस जो है वो मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये आप अभी एक डेमो देख लीजिए यहां पे विजुअल, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो यहां पे ज्यादा बनी रहे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दिस इज द वे जिसका मैं आज यूज करने वाला हूं पाइथागोरस को एक्सप्लेन करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहां पे फर्स्ट वन कि ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो यहां पे देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। सपोज मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर है यहां पे मैं उसको यहां पे माउंट करता हूं यहां पे, और ये जो मेरा है a है इसको मैं एज a कंसीडर करता हूं। I'll write here as well a, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे a consider करता हूँ। Then यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ये second जो square है small square इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और it is denoted by b, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पे b name से यहाँ पे क्या करता हूँ enroll कर देता हूँ यहाँ पे ये plate के अंदर। Now what can I do? I have two rectangles मैं उसको यहां पे क्या कर देता हूं, रख देता हूं एज इट इज वन बाय वन। अब यहां पे क्या करना है, लेट्स सी, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है उसे हम क्या बताएंगे यहां पे, ए बी को इसको हम यहां पे सजेस्ट करते हैं ए बी, दिस इज नोन एज अ ए बी। सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट। अब यहां पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है यहां पे उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो एक्सपांशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट कैसे, बच्चों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। सो लेट्स सी, देखिए यहां पे ये जो है ये क्या है, शेप, ये शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप है। अगर मुझे ये स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करना है तो मेरे पास दोनों साइड कैसी है, यहां पे ये स्क्वायर की जो सरफेस लाइन है ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है, तो मुझे इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। मुझे अगर ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, दिस वन, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो यहां पे डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो a इंटू ए क्या होगा, सिंपल ए स्क्वायर होगा यहां पे। सो यहां पे मेरे पास जो बड़ा वाला जो स्क्वायर था यहां पे जो उसकी साइड्स जो थी वो कौन सी थी, a इंटू ए, तो उसका जो मेजरमेंट है वो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया यहां पर, सेम एज इट इज। अब मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पे मैं दिखाता हूं आपको कि एक ये छोटा वाला जो है उसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, यहां पे बी दिया गया है यहां पे, तो मैं यहां पे छोटा वाला स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। सो यहां पे उसका जो मेजरमेंट है वो बी है। अगर मुझे उस वो जो स्क्वायर है यहां पे, ये जो स्क्वायर है अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे ये दोनों के ही डायमेंशन चाहिए होंगे, तो b इंटू बी स्क्वायर है, दोनों के डायमेंशन जो साइड्स होती है स्क्वायर की चारों जो साइड होती है वो इक्वल होती है। सो यहाँ पे इसका जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। सो यहाँ पे अब बचा क्या है, आई हैव टू रेक्टेंगल्स, मेरे पास दो रेक्टेंगल है यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल का जो है वो मुझे एरिया फाइंड करना है, सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेंथ और यहाँ पे ये जो ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली लेंथ है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो उसको क्या बोलेंगे हम, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे दो शेप में, स्टैंडिंग और स्लीपिंग शेप में खड़े हैं, और तो दोनों को हम इस किससे डिनोट करेंगे, ए बी से डिनोट करेंगे। सो अब भी मेरे पास यहाँ पे रेडी है ये ए बी, और ए बी कितने टाइम से मेरे पास,
टू टाइम्स है। सो ये क्या हो जाएंगे अल्टीमेटली, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into AB हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2AB बोलेंगे। ऑल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है ही, और सभी का सम करेंगे सो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। सो इसी का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पे पाइथागोरस में इसको प्रूव करने के लिए करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये जो पाइथागोरस में यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिख रहा है, स्मॉल स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे, उसको मैंने ए से इंडिकेट किया है, यानी कि इसका नेम जो है ए लिया है। ये जो उससे बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसको मैंने बी से इंडिकेट किया है, और उससे भी बड़ा जो स्क्वायर है इट इज इंडिकेट बाय सी, उसको मैंने सी नेम दे दिया है। और बीच में यहाँ पे एक राइटेंगल ट्राइंगल मैंने माउंट किया हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ 3 स्क्वायर मैं यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव करके दिखाऊंगा। सो देखते हैं यहाँ पे कि क्या करना है। आपको मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है मैंने एक ही जगह पे रख दिया। अब बाद में क्या करना है, बाकी की जो स्क्वायर है यहाँ पे मुझे उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, बीच में जो है यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दी हुई है यहाँ पे माउंट। मैं आपको अगर पता नहीं चल रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दी गई है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, और यहाँ पे एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन जो है यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दी गई है। सो इससे आपको क्या करना है, आपको ये स्क्वायर को, मेरे पास ऐसे कटिंग पीस है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं कुछ रख दूंगा इस तरह से, तो ये जो है स्क्वायर मेरा पैक हो जाएगा। देखो अब मैं ये स्क्वायर को कैसे पैक करता हूं, यहां पे देखेंगे आप कि मैंने यहां पे ऐसे यहां पे एक हाफ पार्ट को मैंने रख दिया है। मेरा जो सेकेंड पार्ट है आप देख रहे हैं कि यहां पे जो साइड है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे मेरा जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है वो ये वाला है, यानी कि जो मैंने 4 हिस्सों में ये स्क्वायर को बांट दिया हुआ है। अब मैं ये चारों हिस्सों को मैं क्या करूँगा, 1 by 1 जो है वो यहाँ पे एडजस्ट जो है पजल की तरह यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। सो यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूंगा इधर, यानी इसको यहाँ पे रख दिया, और जो लास्ट वन जो पार्ट है ये मेरा किस तरह से आएगा, अगर मैं इसको रखना चाहता हूं तो इस तरह से ये जो है वो यहां पे लग जाएगा। सो जैसे कि आपने देखा मेरा ये जो ए स्क्वायर है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट क्या करता है, हमारे दोनों परपेंडिकुलर जो साइड होते हैं यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, यानी कि सी का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो साइड है दिस वन एंड दिस वन, ये जो साइड्स हैं यहां पे आपके, आपकी ये जो साइड्स हैं यानी कि ये ए वाला और ये बी वाला, ये दोनों जो साइड्स हैं यहां पे उस वो जो परपेंडिकुलर है, सो यहां पे वो उसका सम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो सबसे बड़ा लाइन है उसका जो स्क्वायर है वो इज इक्वल होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे ये जो स्क्वायर है इसका भी एरिया होगा। सो यहां पे देखते हैं कैसे होगा। यहां पे अब मैं ये दोनों जो पार्ट्स है यहाँ पे, ये 1, 2, 3, 4 क्वाड्रिलेटरल और ये वाला जो स्क्वायर है वो टोटल, ये जो 5 पीसेस है मैं यहीं पे इसके अंदर ही जो है वो यहाँ पे क्या करूंगा, एडजस्ट जो है यहाँ पे करूंगा। सो देखते हैं अब ये कैसे एडजस्ट होंगे यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर, थोड़ा ट्रेजेडी है, हम देखते हैं कि कैसे एडजस्ट हो गए यहाँ पे। सो देखिए मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं कि अब यहाँ पे ये सी वाले में, ये सी वाले के अंदर ये वाले 4 पार्ट्स और ये वाला 1 पार्ट कैसे यहां पे रखेंगे। सो देखो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो वाला सबसे बड़ा जो लाइन है, ये 4 क्वाड्रिलेटरल यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो सबसे बड़े लाइन जो है वो बॉर्डर पे ही जो है वो माउंट किए गए हैं। देखोगे यहां पे कि इसका जो सबसे बड़ा लाइन जो है यहां पे, बड़ा जो डायमेंशन है वो ये वाला है, यहां पे इसका ये वाला है, यहां पे ये वाला है और यहां पे ये वाला है, जो कि चारों के चारों बॉर्डर पे ही माउंटेड है। सो सेम एज इट इज यही कंसेप्ट जो है मैं यहां पे इसको माउंट करने में फॉलो करूंगा। देखो कैसे, मैंने ये स्क्वायर को ले लिया, अब मैंने इसको बीच में रख दिया है। अब बीच में रखने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो मेरे स्क्वायर है मैं इसको कैसे माउंट करूंगा यहां पे मैं इसको जो है, मेरे जो सबसे बड़े जो पार्ट है मैं यहीं पे इसको माउंट करूंगा। ये जो मेरा सबसे बड़ा जो पार्ट है यहां पे मैं इसको, ये वाला जो सबसे बड़ा जो पार्ट है मैं इसको यहीं पे माउंट करता हूं इस तरह से। इसको मैं ले लेता हूं, अभी ऐसा हो तो रखता भी हूं तो भी चलेगा। अभी आप देखोगे तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाले पोर्शन में जो है मैं यहां पे एक स्क्वायर जो है यहां पे एक पजल जो है यहां पे लूंगा।
अब यहाँ पे हम सेट करेंगे, ये जो सबसे बड़ा जो पार्ट है ये वाला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी जो लाइन है ये वाली है। सो अब मैं स्क्वायर के ये सेकंड फेस पे मैं इसको टच करवाऊंगा और इसको पुट कर दूंगा। अब सेम एज इट इज यहाँ पे थर्ड की जो सबसे बड़ी जो बॉर्डर है वो ये वाली बॉर्डर है, तो मैं उसको थर्ड साइड साइड पे टच करवाऊंगा। सो आप देखोगे यहाँ पे थर्ड साइड पे टच करवाने के समय कि इसको कैसे टच करवानी है, देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है यहाँ पे मैं इसको टच करवाऊंगा। ये बड़ा फेस है, ये लग रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे बॉर्डर पे। सो मैं इसको यहाँ पे टच करवा दूंगा इस तरह से। अब क्या करना है, बचा है मेरे पास ओनली लास्ट वन सिंगल पार्ट, जिसको मैं क्या करूंगा यहीं पे जो है इस तरह से यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इट इज वेरी क्लियर। इसका और इसका सम करूंगा तो मेरा ये जो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, ये जो उसका जो स्क्वायर है उसके इक्वल ही होगा, उसके इक्वल ही होगा। सो ये जो है यहां पे आपको प्रूफ जो है मैंने बता दिया है। अब मैं आपको यहां पे इसकी प्रूफ दैट यहां पे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब मैं आपको सिंपली विद द हेल्प ऑफ लाइन यही पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और कैसे लिखते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो यहां पे देख लीजिए, अब क्या है कि मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ की है और लाइन के बीच में एक पॉइंट ले लिया है, और ये पॉइंट जो है मैंने लेने के बाद ये वाले साइड को मैंने ए से इंडिकेट किया और ये वाले साइड को मैंने बी नेम दे दिया है, और बाद में ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ए वन बाय वन ऑपोजिट जो है यहाँ पे बी लिया था तो यहाँ पे ए लेंगे, फिर से एक पॉइंट ले लिया वापस से बाकी के जो लाइन है वहाँ पे बी नेम दे दिया, सेम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए बी और ए बी। मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो चार डॉट्स हैं मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको ज्वाइंट कर दिया है। सो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ यहीं को चारों को, तो यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बनता है जो कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर मिल गया है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्क्वायर मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, अब स्क्वायर मिलने के बाद आपको देखना है कि आपके पास मैंने जो भी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे। देख लो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होगा हमारे लिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बिकॉज ये पूरा जो स्क्वायर है, ये जो पूरा जो स्क्वायर है उसका हमें जो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट यहाँ पे शेप्स जो थे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, तो उससे हम यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड करेंगे और इसके हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सो सेम एज इट इज, अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास यहाँ पे फोर राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बचे हैं, वे वन टू थ्री एंड फोर, ये मेरे पास फोर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बचे हैं। अगर मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी हैव यहाँ पे फोर राइट एंगल ट्राइंगल है और सभी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर इंटू ए इंटू बी, यानी कि बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड। और यहाँ पे क्या आएगा बाद में, और बीच में जो यहाँ पे स्क्वायर है ये स्क्वायर का मुझे एरिया फाइंड करना है, बिकॉज सभी की साइड सेम रहेगी स्क्वायर है इसलिए, तो मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने उसको सी नेम से इंडिकेट किया है, तो मैं यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दूंगा। सो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, मेरे पास टू ही बचेगा। तो अब मेरे पास जो बचा है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, यहाँ पे टू ए बी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास कौन सा टर्म बचा, टू ए बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पर आप देखोगे ये टू ए बी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मैं इसको अपोजिट साइड ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टर्म बन जाएगा। सो यहां पे टू ए बी और टू ए बी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो लेट सी, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या बचा है, इज इक्वल टू करके सी स्क्वायर। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थियरम को इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थियरम, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थियरम। हाँ
आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं और इसको राइट कैसे करते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जस्ट सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है और इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर यहाँ पे वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।